अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं और लियाना भी अच्छी है माशाल्लाह। लियाना के लिए सबसे पहले माशाल्लाह बोले है ना, लियाना बोल दो, सबको हेलो कर दो, हेलो। ये सोच रही क्या हो रहा है। तो आज जो इस वीडियो में होने वाला है तो छोटा सा स्किन केयर वीडियो है ये। मैंने सोचा कि शॉर्ट्स बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी स्किन केयर का। तो चलते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो फिर चलते हैं जल्दी से स्किन केयर वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो अपने स्किन को हम पूरा क्लिनजर से क्लीन करेंगे या फिर फेस वॉश से, तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। तो चलते हैं जल्दी से, पहले स्किन को मैं क्लियर कर लेती हूँ। इसका जो टेक्सचर है तो ये देखिए, ये इस टाइप का ये टेक्सचर है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसको हम अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। ये फेस वॉश ना स्क्रब का भी काम करता है। चलते हैं इसको हम गाइस, फेस वॉश हो चुका है और अभी नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा तो वो है फेस स्क्रब। तो मैं जो फेस स्क्रब यूज़ करने जा रही हूँ वो है गुड वाइब्स का उपटन इंस्टा ग्लो फेस स्क्रब। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो चलते हैं जल्दी से स्क्रब करते हैं। इसका टेक्स्चर इस तरह से है, ये आपको मैं स्किन पर दिखाती हूँ। ये बहुत कम ही यूज़ होता है, ज़्यादा ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका टेक्स्चर इस टाइप का है, क्योंकि मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट, तो वो उपटन का ही है। मतलब मैंने फेस वॉश भी अभी यूज़ किया मामा अर्थ का, तो वो भी उपटन का ही था विद केसर एंड सैफ्रॉन, सॉरी टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। और ये गुड वाइब्स का भी जो है, तो ये मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ ना, उपटन का है, इसमें भी सैफ्रॉन है। तो चलते हैं फिर हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं अपने फेस पर। सॉरी गाइस, मेरे जो यहाँ पे है पति परमेश्वर शौहर जो भी बोले आप, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाने में। मैंने ये वीडियो 5 मिनट की बनानी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 5 मिनट की वीडियो बन पाएगी। तो स्क्रब भी हो चुका है, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो है फेस मास्क। लियाना कितनी खुश हो रही है ना मेरा वीडियो देख के, मतलब वो सोच रही मम्मा क्या कर रही है। लियाना लियाना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी लियाना को, पर मैं पहले आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो फेस मास्क है। ये भी गुड वाइब्स का, मैंने D10 है ना, ये देखिए, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लर हो रहा है। D10 ग्लो मास्क है, ये भी उपटन का है, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। चलते हैं अभी इसे अप्लाई करते हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, क्योंकि ये उपटन फेस मास्क है ना, तो इसका टेक्सचर येलो है। तो अब जो हम इसको अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, आप चाहे तो इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं बेटर मतलब फील करती हूँ कि मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई कर लेती हूँ स्किन। तो फेस मास्क अभी लग चुका है, अभी हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट बाद हम इसको वॉश करेंगे। क्या ये बोल रही, क्या लगाया मम्मा आपने, क्या लगाया मम्मा आपने, क्या लगाया मम्मा आपने, क्या लगाया मम्मा, मामा। सो गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं और फेस पैक अच्छे से सूख चुका है, तो अभी हम जाते हैं इसको अच्छे तरीके से फेस वॉश करके मिलते हैं आपको। सो गाइस, मैंने फेस मास्क भी धो लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा टोनर है। तो अभी हम यूज़ करेंगे गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग ग्लो टोनर। इसको मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये टोनर भी मैंने यूज़ कर लिया है, तो अभी जो हम फेस वॉश नहीं करेंगे,
टोनर लगा के अभी हम 5 मिनट इसे रहने देते हैं। अब जो है हमारा लास्ट स्टेप है वो है सीरम। तो ये भी मेरा रोज़हिप का ग्लो सीरम है, तो इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड कर दी है और आप जो है सीरम को अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करें अपने फेस पर ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। याना जो एकदम शॉक्ड है कि मामा मेरी मतलब अभी तो फेस पे लगाई हुई थी, अभी ये क्या हो गया मेरी मामा को फेस पे। मामा ने फेस का क्लीन कर ली है ना निमशा। ये देखो देखो ये देखो ये देखो ये प्यारी सी कॉर्नर ले आना। सो गाइस, तो ये थी मेरी आज की स्किन केयर वीडियो। तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल दो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लियाना की तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज़, और लियाना के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलें। बाय बाय।